जोशी आणि सोहेल शेख दोन सलामीवीर। पहिला चेंडू खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू सीमारेषा पार चौकार। मयूर पाटील या गोलंदाजाने पहिल्याच चेंडूवर या ठिकाणी पाच धावा बहाल केल्यात, पाच धावा बहाल केल्यात। अवांतरच्या स्वरूपात या ठिकाणी धावसंख्येचं खातं, माफ करा मी माफी मागतो, या ठिकाणी त्या ठिकाणी चार धावा। आम्हाला कुठेतरी वाटलं होतं चेंडू खराब आहे की काय, पुन्हा एकदा माफी मागतोय। पहिल्या चेंडूवर चौकार बाईच्या स्वरूपात, दुसरा चेंडू या ठिकाणी, दोन धावा दोन्ही फलंदाजांनी सहजरित्या पूर्ण केल्या। दोन धावांच्या मदतीनं पहिलं षटक मयूर पाटील फेकतोय वारदोली संघाकडून। सहा धावा आतापर्यंत पहिल्या दोन चेंडूचा खेळ संपल्यानंतर। विवेक जोशी एक जबरदस्त फॉर्म मध्ये असणारा फलंदाज स्ट्राइक एंडला खेळतोय, नॉन स्ट्राइक एंडला तगडा फलंदाज आहे सोहेल शेख। नाणेफेक हरल्यानंतर या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय वारदोली संघ, व्हाईट टी शर्ट परिधान केलेला संघ आहे वारदोली संघ, तर पर्पल कलरची टी शर्ट परिधान केलेला संघ आपण फलंदाजी करताना पाहतोय तो पेट संघ। राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करतो, यावेळी चेंडू जातोय वाईडिश लॉंग ऑन रिजन मध्ये, एक जबरदस्त चौकार। पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर दोन धावा आणि तिसऱ्या चेंडूवर पुन्हा एकदा चौकार येतो। तीन चेंडू संपलेत, दहा धावा झाल्यात। विवेक जोशी खेळतोय दोन धावांवर, यावेळी मात्र अजून एक मोठा फटका, चेंडू यावेळी मिडविकेट सीमारेषेबाहेर चार धावांकरता। अतिशय चांगली फलंदाजी पाहायला मिळतात विवेक जोशीच्या माध्यमातून। दोन चौकारांच्या मदतीनं दहा धावांवर खेळतोय गोलंदाज महागडा ठरतोय पहिल्या षटकामध्ये मयूर गोलंदाज। यावेळी मात्र अतिशय जबरदस्त चेंडू टप्पा पडल्यानंतर खाली राहिला, या ठिकाणी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज विवेकचा, परंतु त्या ठिकाणी चेंडू जातोय सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये, ज्या ठिकाणी पहिला निर्धाव चेंडू संपतोय। पहिलं षटक पॉवर प्लेचं आपण पाहतो, या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त दोन क्षेत्ररक्षक 30 yard सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतात। फुलटॉस चेंडू, आणि फुलटॉस चेंडूचा कशा प्रकारे समाचार घ्यायचा विवेक जोशीला शिकवायला नको, चेंडू जातोय षटकाराकरिता सहा धावा। जी हां, मैं हूं खलनायक। खलनायक ठरलाय गोलंदाज मयूर पाटील, ज्यानं पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 20 धावा खर्ची घातल्या आणि या ठिकाणी पेठ संघानं दाखवून दिल्या नाणेफेक जिंकल्यानंतर आम्ही फलंदाजी का घेतली। पहिल्याच षटकामध्ये बिनबाद 20 अशी जबरदस्त सुरुवात करून दिल्या या दोन्ही सलामीवीरांनी। विवेक जोशी एक षटकार दोन चौकारांच्या मदतीनं खेळतोय तब्बल 16 धावांवर। गोलंदाज विकास आता मात्र प्रथमच स्ट्राइक एंडला फलंदाज सोहेल शेख येणार। पहिले सहा चेंडू विवेक जोशीने खेळलं, ज्याच्यामध्ये पहिला चौकार आला होता बाईच्या स्वरूपात, त्यानंतर पाच चेंडू मध्ये तब्बल 16 धावा हे एकट्या विवेक जोशी या फलंदाजानं पटकावल्यात।
दुसरा गोलंदाज विकास एक चांगला गोलंदाज ओळखला जातो वारदोली संघाचा, कारण या गोलंदाजाकडून अपेक्षा असणार वारदोली संघाला. या गोलंदाजाला कुठेतरी टिचून मारा करावा लागणार, या गोलंदाजाला कुठेतरी सलामीवीराला चाप आणावा लागणार, या गोलंदाजाला अचूक टप्प्यावर अचूक दिशेवर आणि नियंत्रणामध्ये गोलंदाजी करावी लागणार, तर येणाऱ्या षटकामध्ये कुठेतरी धावसंख्येला लगाम बसू शकतो. परंतु या दोन फलंदाज जर का खेळपट्टीवर राहिले तर मात्र काही खरं नाहीये. पहिला चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, ज्या ठिकाणी एक धाव देण्याचा प्रयत्न होता तो विवेक जोशीला, प्रयत्न मात्र अंगलट आला तो सोहेल शेखच्या, आणि आता मात्र पहिली सफलता सांघिक स्वरूपात हे यश मिळतं धावचीच्या स्वरूपात. सोहेल शेख मैदानाबाहेर. सोहेल शेखनं निराश केलाय, तर त्या ठिकाणी पहिल्याच चेंडूवर या ठिकाणी सांघिक यश मिळवून देतोय गोलंदाज विकास. एक चांगला गोलंदाज ओळखला जातो वारदोली संघाचा. पहिल्या चेंडूवर सलामीवीराला बाद करण्यात मात्र यशस्वी ठरलाय. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे सलमान शेख येतोय. पहिला चेंडू निर्धाव धावचीच्या स्वरूपात यश मिळालंय. दुसरा चेंडू फुलटॉस चेंडू होता यावेळी, मात्र व्यवस्थित बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही चेंडू. परंतु पाहता पाहता चेंडू सीमा रेषा ओलांडतोय आणि या दणदणीत चौकार आणि पंचांचा इशारा आला, चेंडू खराब आहे, म्हणजे पाच धावा मिळणार. तब्बल नऊ धावा आतापर्यंत वारदोली संघाच्या गोलंदाजांना अवंतरच्या स्वरूपात खर्ची घातल्यात. तर या धावा कुठेतरी महाग पडणार, या धावांवर लगाम घालावा लागणार. परंतु आल्या आल्या जबरदस्त प्रहार केलाय चेंडू लॉंगन आणि लॉंगअपच्या मधून दणदणीत षटकार. मारलाय षटकार दणदणीत, आले आल्या पहिल्याच चेंडूवर प्रहार केलाय. यावेळी मात्र पॅडल स्वीप, चेंडू पुन्हा एकदा सीमा रेषा पार चौकार. सलमान शेख जबरदस्त फलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर चौकार. यावेळी मात्र अजून एक मोठा फटका लॉंग ऑफ रिजन मध्ये, अजून एक मोठा फटका दणदणीत षटकार. खणखणीत षटकार मारतोय फलंदाज सलमान शेख. यावेळी मात्र थोडासा स्लोवर मध्येचा चेंडू, एक का चकवा देणारा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघतोय. तर आता कुठेतरी गोलंदाजाचं मिश्रण पाहायला मिळतंय. तर नक्कीच या पाच षटकांच्या सामन्यामध्ये जर मिश्रित गोलंदाजी करता आली नाही तर कोणत्याही गोलंदाजाचं खरं नसतं. भल्या भल्या गोलंदाजांना तब्बल 30 धावा 32 धावा या सरळ सरळ पडतात, परंतु यावेळी मात्र बॅट चिकट घेऊन चेंडू जातोय फाईन लेग सीमा मध्ये. त्या ठिकाणी अजून एक चौकार. Thank you.
पहिल्या दोन षटकांचा खेळ संपला. ज्या ठिकाणी पहिल्या षटकामध्ये मयूर पाटील या गोलंदाजांना 20 धावा दिल्या होत्या, कुठेतरी वाटलं होतं विकास या धावांना रोक लावेल, परंतु विकासनं मात्र तब्बल 25 धावा खर्च केल्यात. आणि काय फलंदाजी केले सलमान शेखना, 6-4 6-4 म्हणजे 20 धावांची खेळी. आणि या पहिले दोन पॉवर प्लेची षटकं या ठिकाणी संपलेत. क्षेत्ररक्षणाचा निर्बंध हटणार, परंतु येणाऱ्या 3 षटकामध्ये पेठ संघ कशा प्रकारे फलंदाजी करणार, विवेक जोशी आणि सलमान शेख याची फलंदाजी पाहण्यासाठी घेऊन चलतो आहे वलभगावचे जबरदस्त समालोचक प्रवीण टेंबे यांच्याकडे. बिल्कुल धन्यवाद दीपक पाटिल मैन फ्रॉम पलस. देखिए 45 रन स्कोर कार्ड लग चुके, 2 ओवर की समाप्ति, यानी कि टारगेट की बात करें तो 22.50 रन प्रति ओवर, यानी कि 110 रन आने वाली 5 ओवर बनेंगे. बिल्कुल ये मुकाबले की बात करो, शायद बंटी जोशी की कमी सलमान शेख ने यहाँ पर महसूस नहीं होने दी. जो बंटी जोशी शायद अनफिट है, बट इसके बाद निखिल छिलके जरूर दिखे, बट सोहेल शेख ने जो गलती की उनको शायद नहीं कर दी, डिफेंस खेला था, दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर जरूर टिकते. और देखिए तीसरे गेंदबाज की पहली गेंद रफ्तार के साथ, कितनी तेज गेंदबाजी यहाँ पर, और जरूर बल्लेबाज को चकमा दिया विवेक जोशी, जिन्होंने शुरुआत 2 रनों से की थी. और यहाँ पर विवेक जोशी ने 2 चौके और 1 छक्के दागे, काफी उभर के आए बल्लेबाज और काफी खतरनाक टीम पे. टीम पिछले साल काफी टूर्नामेंट जीती थी और इस साल कहीं ना कहीं उनके खिलाड़ी को वक्त नहीं है, इसलिए थोड़ी टूर्नामेंट्स कम खेलते वक्त. और इस वक्त कलाई का शानदार इस्तेमाल, लॉन्गिंग की समय गेंद को खेला. देखिए इस गेंदों पर 1 नंबर लगे, बेहतरीन फील्डिंग और इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर बन चुका है 46 रन 46, यानी कि अभी तक बड़ा टारगेट की आशंका होगी सलमान शेख, जिन्होंने आते आते छक्के से खाता खोला और खुद के रनों को बनाया, 2 छक्के 2 चौके, यानी 20 रनों का आंकड़ा, अच्छी बल्लेबाजी. लेकिन इस वक्त सलमान शेख भी शायद इस गेंदबाज के सामने इतनी ठीक तरह से नहीं चल पा रहे. इस गेंदबाज का जिक्र करना होगा, यानी कि मयूर पाटिल, जिनको पहले ओवर में 20 रन लगे थे, यानी कि पहली ओवर काफी महंगी थी क्योंकि पहले ओवर में पावर प्ले था, इसलिए रन बने. अब पावर प्ले नहीं है तो अब कैसी गेंदबाजी होगी, ये देखना काफी जरूरी होगा. मयूर पाटिल काफी उभर के आए खिलाड़ी, टेनिस क्रिकेट में एक अच्छा नाम बारदल की ओर से. ब्लॉक ऑल लाइन गेंदबाजी, कैच को लपकना था और ये देखिए काफी करीबी मामला और 1 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए. सलमान शेख और 22, बिल्कुल 22 के रूप से रन आएंगे यहाँ पर, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 47 रन का आंकड़ा. हालांकि आज का 47 का दिन है, जो मोदी सरकार ने 50 दिनों का टारगेट दिया था, लेकिन आने वाले चंद 6-5 दिनों में वो 50 दिन पूरे हो गए, क्योंकि ब्लैक मनी के खिलाफ लिए गए थे. 47-50 के 3 रनों की जरूरत, यानी कि सिर्फ 16 गेंदों पर 47, पिछले मुकाबले में 18 गेंदों पर उस सारी टीम ने, यानी 49 बनाए थे 52. और ये बेहतरीन आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का. सर बिल्कुल कहते हैं कि पिंजरे में कैद शेर को अगर पत्थर मारे तो मजा नहीं आता, उसको मैदान में लाके खेलिए. और विवेक जोशी वही पिंजरे के शेर जो मैदान में आ चुके हैं तूफानी बल्लेबाजी के साथ. इस वक्त यार कि पेट टीम का टोटल स्कोर कार्ड भी लगता है 54 रन 54 रन इस वक्त, यानी अच्छी बल्लेबाजी मानी जाएगी. देखिए 18 गेंदों पे 54 रन स्कोर कार्ड लगा, पिछले मुकाबले में उसाली टीम ने 18 गेंदों पर 52 बनाए थे और उन्होंने पूरा स्कोर बनाया था 5 ओवर में 94 रन्स. यानी यहां तक अगर अंदाजा लगाए, अगर 18 गेंद में 54 बनते तो यानी कि आने वाले 2 ओवर की बात करें तो 80 का आंकड़ा शायद यहां पर पार होगा. यानी आज के मुकाबले हम देख रहे सभी जो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं वो 80 का आंकड़ा छू रहे हैं. शायद ये टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी का फैसला था, यानी कहीं ना कहीं इनकी गेंदबाजी में दम है. बिल्कुल पेठी मारवाज शेख का जिक्र करेंगे, जिन्होंने रायगढ़ की ओर से उनको बेस्ट गेंदबाज का किताब मिला था. सोच अच्छी कप्तान की, टॉस जीतकर बल्लेबाजी लेना. नए गेंदबाज संजय दिसले, बिल्कुल संजय नाम का जादू, यानी कि हमारे लाडले आयोजक संजय ठाकुर उनकी ओर से बड़ी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं. यानी कि ये टूर्नामेंट्स tenniscricket.in के माध्यम से दुनिया के कोने कोने से देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं शाहरुख शेख ने काफी स्ट्रगल किया होगा इस टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, तभी जाके वेबसाइट नंबर 1 पे बनी टेनिस क्रिकेट का जादू.
और देखिए उठाने का प्रयास बल्ले के सामने, वो गेंद जिस तरह से आई ने जो अंदाजा लगाया था इस बल्लेबाज ने, और देखिए एक रन मुकम्मल किए विवेक जोशी जो कि पहले स्थान पर बल्लेबाजी को आए थे। और पहले स्थान पर बल्लेबाजी कैसी होनी चाहिए वो पूरा एक बड़ा एग्जाम्पल उनके बल्लेबाजी के माध्यम से दिखता हुआ। संजय दिसले पहली गेंद पर एक रन खर्च किया और टीम का स्कोर 55 रन 55 का आंकड़ा। और यहां पर नहीं रुके आसमानी तूफानी सुल्तानी ब्रांडेड छक्का। धन्यवाद बिल्कुल यानी कि खिलाड़ी मानो दर्शक बन कर रहे। गेंद चलिए गेंद को फेंकना होगा यहाँ पर काफी दूर गेंद और बिल्कुल गेंद यहाँ पर आ चुकी है और 7 गेंदों पर 26 रन जोरदार डालिया इस बल्लेबाज के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी। 7 गेंदों पर 26 रन यानी कि सलमान शेख एक बॉलीवुड के सलमान खान जो हिट पे हिट दे रहे और ये सोहेल ये सलमान शेख ये भी हिट पे हिट दे रहे रुकने का नाम नहीं ले रहे इसे कहते तूफानी बल्लेबाजी। शायद और एक हो सकता था टाइमिंग टाइमिंग को मैच नहीं कर पाए गेंदबाज ने गेंद को बदला वेरिएशन दिखाया और इस वक्त एक रन स्कोर कार्ड पे लगे एक रनों के साथ इस वक्त पेट टीम का स्कोर बन चुका है यानी 62 रन 62 रन। हालांकि एक विकेट जो झूलों पे आउट हुआ था लेकिन 62 रनों की पार्टनरशिप कितनी बढ़िया साझेदारी जोरदार डालिया 62 रनों की पार्टनरशिप के लिए अभी तक ये पार्टनरशिप 80 के ऊपर जाएगी या नहीं और शायद जाएगी। और एक लंबा छक्का संजय ठाकुर ब्रांडेड छक्का। धन्यवाद मास्टर बिल्कुल विवेक जोशी बता रहे कि हम तो ताश के इक्के जिसके सामने बादशाह भी सर झुका था तो गेंद क्या चीज है। विवेक जोशी इस वक्त काफी 50 के कगार पर और देखिए इस वक्त पैडल शिप का इस्तेमाल किया गेंद जाती है फाइन लिजक के जोन में और इस गेंद पर एक रन मात्र शेष आए कोशिश चोरी की रन चुराने की कोशिश। हालांकि सलमान शेख पीछे मुड़े सही फैसला था उनका और इस वक्त 5-5 गेंदे यानी 23 गेंदों पर पेट टीम का स्कोर बन चुका है 69 रन 69 इस वक्त स्कोर कार्ड पे। 7 गेंदों पर कितने रन आएंगे 69 के बाद ये देखना काफी दिलचस्प काफी मजेदार। और भाई ये देखिए स्वीप शॉट टाइमिंग का कमाल बेहतरीन छक्का। लोहा गरम है मार दो हाथों बिल्कुल दोनों वाले बाज यहाँ पर बता रहे कि इस मैदान में हम इतने चौके छक्के दागेंगे कि खिलाड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैदान के अंदर रहना या फिर मैदान के बाहर। 24 गेंदों पर टारगेट बन चुका है यानी कि 75 रन इसे कहते हैं बढ़िया मुकाबला। और सलमान शेख रुक चुके यानी करीब करीब 33 रनों पर जिसमें करीब 4 छक्के 2 चौवे यानी अच्छी बल्लेबाजी। विवेक जोशी की अगर बात करें विवेक जोशी 3 छक्के लगाए 2 छवे यानी वो भी करीब 30 के आसपास। गेंदबाज लास्ट ओवर कल्पेश भोईर देख रहे हैं कल्पेश भोईर इस पर कंजूसी कंजूसी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि 75 का टारगेट 4 ओवर में बन चुका है। और यह देखिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी थोड़ी शॉर्ट पिच अंदाजा अंदाजा गलत रहा बल्लेबाज का और एक कंफ्यूज किया और चकमा खाने वाली गेंद जिस पर नंबर नहीं दिए जाते वो नंबर यहां पर नहीं मिलेंगे इस पेज टीम को। 75 रनों का आंकड़ा यानी कि 75 बड़ा टारगेट बड़ा स्कोर पहले मुकाबले में 94 रन इस टूर्नामेंट का दूसरा बड़ा रिकॉर्ड हमने देखा शायद यह रिकॉर्ड तीसरा शायद हो सकता है क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है शुरुआती बल्लेबाज है क्षमता इनके अंदर काफी ज्यादा। देखिए ब्लॉक होल्स जोरदार अपील लेग बिफोर्स की अंपायर ने अपील को खारिज किया और कहा कि एक रन लेग बाइज के रूप से मिलेंगे। एमसीएम मान्यता प्राप्त अंपायर कल्याणी घोरपड़े और सूर्यकांत अढ़ाव जिनका एमसी पैनल में वोटिंग करने का अधिकार है कल्याणी घोरपड़े के बारे में बात करेंगे तो टीएमपीएल दुबई के मैदान पर अंपायरिंग करके आए हैं कितना अनुभव होगा इस अंपायर को। ये संजय ठाकुर की पहचान है बड़ी प्रतियोगिता तो अंपायर भी दुबई के होने चाहिए जो दुबई रिटर्न वो अंपायर देख रहे कल्याणी घोरपड़े और सूर्यकांत अढ़ाव। अगली गेंद
इस वक्त काफी बल्ले के नीचे गेंद थी, ब्लॉक होल के शिकार, ब्लॉक होल का ब्रह्मास्त्र देख रहे, ब्रह्मास्त्र देखे गलती और रन लेने की कोशिश, हालांकि एक रन दोनों बल्लेबाजों ने इस वक्त कलेक्ट किया और एक के साथ 77 का आंकड़ा, 77 यानी कि तीन गेंदे शेष हो गई। कल्पेश भाई जैसे हमने कहा था कि कंजूसी गेंदबाजी होनी चाहिए, वो कंजूसी गेंदबाजी की, पहले गेंदबाज ने 20, दूसरे गेंदबाज ने 25, तीसरे गेंदबाज ने 9, चौथे गेंदबाज ने 21, तीन गेंदबाज मह गए और तीसरे का गेंदबाज यानी कि मयूर पाटिल थोड़े से कंजूसी गेंदबाज रहे। और इस वक्त विवेक जोशी का बल्ला बोला, गेंद सीमार के बाहर, बैंडेड छक्का। धन्यवाद जमा सर, 12 गेंद पर 38 रन जोरदार डाले इस बल्लेबाज के लिए, 12 गेंदे 38, विवेक जोशी ने छक्का लगाकर टीम को बढ़ाया यहाँ पर 83 रनों पर और इस ओवर की दो गेंदे शेष। और गेंदबाज मेहरबान था बल्लेबाज, बिल्कुल पहलवान हो सकते थे बट इस वक्त लेग बाइज के रूप से चौवा आया। बिल्कुल यहाँ पर विवेक जोशी थोड़े से नाराज, चौवा लगने के बाद इसका रीजन था क्योंकि बल्ले से रन आते तो 50 के करीब होते, यानी 38 पे चौवा बनते तो 42 होते, तो बिल्कुल उनकी ओर से रन नहीं आए, ये रन आएंगे लेग 22 के ओर से और टीम का स्कोर 87 लास्ट बॉल्स। और इस वक्त लॉग इन के रिजर्व में एक रन दूसरी कोशिश जरूर होगी क्योंकि लास्ट गेंद है, विकेट गया तो फिर चलेगा और शायद बचे दो रन यहाँ पर कलेक्ट किए। यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 30 गेंद है और इस वक्त पेट टीम का स्कोर बन चुका है 89 यानी जीतने के लिए 90 रनों की जरूरत आने वाली 30 गेंद पर। मैडी यार मी मंच होते इन्वाइट करतो मनोज दापोगर आणि किरण पाटील, स्वागत आहे या श्रृंखलेच्या माध्यमातून आपलं। तर नक्की येणार 30 चेंडू आणि 90 धावांची गरज, प्रतिशतक 18 धावा कशा रीतीने बनवतील, कोण खेळाडू या धावा बनवतील आणि कोणते खेळाडू या धावा रोखतील, हे जाणून चालू आहे आमचे साथी समालोचक दीपक पाटील, मॅन ड्रॉम प्लस पे।
धन्यवाद प्रवीण टेंबे वाला। तर आजच्या दिवसातली ही दुसरी लढत आपण अनुभवताय पेठ आणि वर्दोली या दोन संघादरम्यान। ज्या ठिकाणी नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला पेठ संघानं आणि आमची फलंदाजी किती ताकदवान आहे ती दाखवून दिली 5 षटकांच्या या सामन्यामध्ये। तब्बल 89 धावा स्कोरबोर्डवर लावल्या आणि 18 सरासरीनं 90 धावा आता मात्र कराव्या लागणार त्या वारदोली संघाला। अरबाज शेख येणार पहिलं षटक घेऊन। पेठ संघाचा एक चुणीदार गोलंदाज अरबाज शेख ज्यांना बऱ्याचशा मालिकांमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज हा किताब पटकावला आहे। अजनबी ओळे संघाचा स्टार फलंदाज अश्विन पाटील येतोय। आज सामना आहे त्यांना आपण सामन्यासाठी शुभेच्छा देऊया। 5 षटकं 90 धावा 18 सरासरीनं कराव्या लागणार मयूर आणि विनय दोन सलामीवीर यावेळी मैदानामध्ये आपण पाहतोय। पहिला चेंडू अरबाज शेख गोलंदाजीच्या उंबरट्यावर। पहिल्याच चेंडूवर या ठिकाणी जबरदस्त कव्हर ड्राईव्ह चेंडू सरळ सीमा रेषापार षटकार। माय हू डॉन डॉन होणार का फलंदाज हे मात्र नक्कीच समजणार। परंतु पहिल्या चेंडूवर त्यानं दाखवलंय हम भी किसी से कम नाही। पहिला चेंडू षटकार। यावेळी मात्र स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा सरळ पॅडवर आदळतोय चेंडू। निर्धाव चेंडू संपतोय 90 धावांचे लक येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये। पहिल्या चेंडूवर जबरदस्त सुरुवात करून दिली आहे ती फलंदाज मयूरना। अर्थातच मयूरनं पहिलं षटक टाकलं होतं महागडा ठरला होता परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये चांगला कमबॅक केला होता मयूर या गोलंदाजांना त्यावेळी गोलंदाजी करताना। यावेळी सरळ पॅडवर पंचांकडे अपील अरबाज शेखची परंतु त्या ठिकाणी अपील नाकारल्या ओव्हर थ्रो पाहायला मिळतोय चेंडू सीमा रेषा पार। पंचांचा इशारा आलाय 4 धावांकरता म्हणजे या धावा मिळणार 5 धावा। तत्पूर्वी अजनबी ओळे संघाचा अजून एक स्टार खेळाडू एक जबरदस्त यष्टीरक्षक जगदीश दापलकर या ठिकाणी समाज निरीक्षकाच्या समोर सामना आहे। यानंतर स्वागत आहे अजनबी ओळे संघाचं या स्पर्धेमध्ये। 5 धावा मागच्या चेंडूवर यावेळी जबरदस्त फटका चेंडू जातोय वाईड इंच लॉंग ऑफ रिजन मध्ये सीमा रेषापार चौकार। धन्यवाद। तर नक्कीच मागच्या वर्षाचा बाईक विनर अश्विन पाटील याच क्षणी त्याच बाईकवर पाहतो आपण। नक्कीच अश्विन पाटील या क्षणी सुद्धा तुमची नक्की नजर त्या बाईकवर असेल दीपक। नक्कीच मालिकावीर म्हणून या स्पर्धेच्या निमित्तानं होंडा ड्युओ हे टू व्हीलर असणार आहे परंतु यावेळी पंचांचा इशारा आलाय अवंतरच्या स्वरूपात अजून एक धाव मिळते अश्विन पाटीलला। अर्थातच स्कूटरवर बसलाय लक्ष असणार कारण मोठा खेळाडू आहे आणि का असू नये मालिकावीर होण्याचं स्वप्न नक्कीच असणार अवंतरच्या स्वरूपात। धावफलक वेगानं पुढे सरकतं यावेळी 16 धावा आपण पाहतोय धावफलकावर। जशा तसा प्रत्युत्तर यावेळी मात्र मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक क्लिअर करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा फसलाय पहिली सफलता या ठिकाणी पेठ संघाला। फलंदाज सलामीवीर विनय तंबूमध्ये सोळा धावा झाल्यात पहिलं षटक
पाहायला गेलं तर नक्कीच महागडे आतापर्यंत अरबाज शेख या गोलंदाजाचा परंतु एक सफलता मात्र मिळवून दिली आहे ती अरबाज शेख या गोलंदाजांना. नवीन फलंदाज येतोय कल्पेश भोईर. शेवटचा चेंडू या षटकामधला कदाचित, परंतु यावेळी मात्र निर्धाव जातोय चेंडू. पहिलं षटक या ठिकाणी संपलंय आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर ज्या ठिकाणी 18 धावांची धावगती राखायची होती पहिलं षटक संपलंय आणि या पहिल्या षटकामध्ये अरबाज शेख या गोलंदाजांना दिल्यात त्या धावा 16 धावा. षटक मिळणार यावेळी वारदोली संघाला, कारण 90 धावांचं लक्ष्य आहे, त्यामुळे या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा देण्याकडे भर असणार तो वारदोली संघाच्या दोन्ही फलंदाजांचा. मयूर खेळतोय एक षटकाराच्या मदतीनं 6 धावांवर, तर नवीन येणारा फलंदाज कल्पेश भोईरनं अद्याप खातं खोललेलं नाहीये. गोरख वास्कर दुसरं षटक घेऊन यावेळी अजून एक दर्जेदार गोलंदाज पेठ संघाचा. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय पहिला चेंडू, परंतु यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक क्लिअर करतोय आणि चेंडू सरळ जातोय स्ट्रेट डाईव्ह. एक जबरदस्त षटकार. पहिल्या षटकाला सुद्धा षटकारानं सुरुवात झाली होती तीच सुरुवात गोरख वास्कर या गोलंदाजावर. हल्ला चढवलाय पहिला चेंडू, यावेळी मात्र बॅट चिकट घेऊन चेंडू जातोय त्या ठिकाणी शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये आणि आता मात्र फलंदाज मयूरला मैदान सोडावं लागणार. जखम दिलाय गोरख वास्कर या गोलंदाजांना. यावेळी दोन्ही सलामीवीर मात्र वारदोली संघाच्या तंबूमध्ये परतले आहेत. मयूर चांगली फलंदाजी करत होता, 4 चेंडूंचा सामना केला या फलंदाजांना, 12 धावा 2 षटकारांच्या मदतीनं जमा केल्या. यावेळी मात्र 90 धावांचं लक्ष असताना मात्र थोडीशी परिस्थिती कठीण होत्या. 22 धावा झाल्यात आतापर्यंत दुसरं षटक सुरू असताना. या ठिकाणी पार्टनरशिप करावी लागणार फलंदाजांना, भागीदारी रचावी लागणार. यावेळी अतिशय जबरदस्त फटका, चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये, एक टप्पा पडल्यानंतर खणखणी येतं चौकार. चार धावा येतात, या 4 धावांच्या मदतीनं 90 धावांचा पाठलाग करताना 26 धावा आपण पाहतोय स्कोरबोर्डवर. वारदोली संघ धावांचा पाठलाग करतोय, 90 धावा करायच्या आहेत 5 षटकांच्या या सामन्यामध्ये. फलंदाज विकासनं मात्र पहिल्या चेंडूवर चौकार दाखवला आहे गोलंदाज गोरख. शॉर्ट पे चेंडू होता या ठिकाणी, जबरदस्त फटका, चेंडू जातोय डीप पॉइंट रिजन मध्ये, पाहता पाहता सीमा रेषेपलीकडे चौकार. थँक्यू डीजे.
अतिशय चांगले क्रिकेट पाहायला मिळतंय या खेळाडूंकडून. विकास ज्यानं 2 चौकार आतापर्यंत मारले आहेत. यावेळी मात्र जबरदस्त फटका, चेंडू स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये, एक दणदणीत षटकार. वाड्यावर या, छत्तीस धावा झाल्यात या षटकाराच्या मदतीनं. आता मात्र कुठेतरी वाटतं की वर्धोली संघ धावांचा पाठलाग करतोय. उजव्या यष्टीच्या बाहेरून जाणारा चेंडू, त्या ठिकाणी मात्र कोणताही निर्णय नाहीये, म्हणजे चेंडू जाणार निर्धाव. 2 षटकांचा या ठिकाणी खेळ संपलाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आपण पाहतोय. 36 धावा. म्हणजे पाहायला गेलं तर जी 18 धावांची धावगती राखायची होती, ती धावांची धावगती मात्र 2 षटकं संपल्यानंतर प्रवीण बरोबर राखली आहे ती वर्धोली संघाना. आणि 30 धावांची धावगती येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये सुद्धा वर्धोली संघाला राखावी लागणार. येणारी 3 षटकं, 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 18 चेंडूंमध्ये 54 धावा कशा प्रकारे होतात याचं धावतं वळण राखण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा वळतो वल्लभगावचे जबरदस्त समालोचक प्रवीण टेंबे यांच्याकडे. बिल्कुल धन्यवाद दीपक पाटिल. हमने कहा था 30 गेंदों पर 90 रनों की जरूरत थी, 18 रन प्रति ओवर से 12 गेंद पर 36 बने. जो रन रेट चाहे थे दीपक पाटिल वैसा रन रेट के हिसाब से दोनों बल्लेबाज चले. अब बिल्कुल मुकाबला शुरू से पहले मैंने पहले कहा था कि ये मुकाबले में विकास की बल्लेबाजी आपको देखने मिलेगी. विकास बिल्कुल कल्पेश, मयूर, विनय, हालांकि मयूर आउट होने के बाद यहाँ पर विनय भी आउट हो चुके हैं, यानी कि कल्पेश और विकास नामक बल्लेबाज यहाँ पर होंगे. विकास बिल्कुल हमें याद होगा नारपोली के मैदान पर इस बल्लेबाज ने 73 रन की अच्छी पारी खेली थी. पंकज ने भी खेली थी बिल्कुल, यानी अच्छे क्रिकेटर इस नारपोल टीम में. आने वाली 18 गेंदे 54 रनों की जरूरत. गेंदबाज होंगे जिशान शेख, जिन्हें बेहतरीन कैच पकड़ दी सर्कल के दायरे में. वही जिशान इस वक्त गेंदबाज के माध्यम से अच्छे खिलाड़ी. बिल्कुल जिशान शेख 18 गेंद पे 54, 54 रन स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे. कल्पेश भोईर एक वन डाउन के बल्लेबाज इस वक्त. कल्पेश भोईर पहले गेंद रफ्तार के सौदागर, बिल्कुल रफ्तार के साथ विकेट कीपर के 10 रनों में 17 गेंदे 54 रनों की आवश्यकता. हर गेंद पे नंबर होने चाहिए यहाँ पर, अगर नंबर नहीं होंगे तो मुकाबले में वापसी करना बहुत ही मुश्किल होगा. बिल्कुल हमारे साथ ही स्कोरर सुमित म्हात्रे, जिनका बढ़िया स्कोरिंग, काफी अच्छा बेस्ट स्कोरिंग पर उनकी अच्छा रिकॉर्ड उनके पास. और ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, यानी कि पिछली 2 ओवर में 36 बने थे और इस वक्त 2 गेंदों ने कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को कम जरूर किया और आत्मविश्वास गेंदबाज का बड़ा होगा. 2 गेंदे डॉट्स, 16 गेंदे 54 रन, हर गेंद पे नंबर होने चाहिए तो इस मुकाबले में वर्धोली टीम अपना सिक्का जमाएगी. चाहे वो 1 नंबर क्यों ना हो बट नंबर होने चाहिए. फुल टॉस गेंद, इस वक्त कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं. गेंद आउट ऑफ द बाउंड्री, सी मारे का बाहर, बैंडेड सौगार. धन्यवाद सर, नक्कीच प्रेक्षकांचा जीव या क्रिकेट मध्ये रंगला आहे. इस वक्त देखा जाए तो 50 रनों की दूरी इस मुकाबले में. और ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, 3 गेंद डॉट करने के बाद अगर आप चौका लगाएंगे तो हम कहेंगे खराब बल्लेबाजी, क्योंकि नंबर होने चाहिए थे. अब बची हुई देखी जाए तो 14 गेंदे होगी और 14 गेंदों पर अर्धशतक लगाना है आपको. 50 रनों की दूरी, टोटल स्कोर हो चुका है 40 रन, यानी कि 50% रन और बनाने होंगे. लॉन्ग एंड शॉर्ट में गेंदों खेला, 1 रन मुकम्मल किए, 5 गेंदों पे 5 रन. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी. आने वाली 13 गेंदे 49 रनों की जरूरत. इस पक्ष स्ट्राइक रोड की बल्लेबाज विकास, जिन्होंने 2 चौके 1 छक्का दागा और मेरे ख्याल से इस बल्लेबाज को स्ट्राइक मिलने चाहिए क्योंकि इनके पास वो क्षमता है वो अर्धशतक को पूरा करने की या मुकाबला जिताने की. बिल्कुल बेस्ट टीम, हालांकि बंटी जोशी शायद अनफिटनेस में होंगे बट वो जल्दी कम बैक करेंगे.
और देखिए विकास लास्ट गेंद को हल्के हाथों से खेला, ये गेंद जा रही है बिल्कुल अरबाज शेख के हाथों पर और यहां से एक रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं और टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 42 रन्स लॉस ऑफ 2 विकेट्स वार्दल टीम। बिल्कुल आने वाली 12 गेंदे होगी, 12 गेंदों पर जीत की अगर बात करें तो करीब 48 रनों की जरूरत, हालांकि 50% रन अभी तक नहीं बने हैं, यानी पहले 50% रन पूरे होने चाहिए। गेंदों की बात करेंगे तो गेंदे हो चुके हैं 70% गेंदे हो चुके हैं, 30% गेंदे होगी और उस 30% गेंदों पर आपको 60% रन बनाने होंगे। 6 गेंदे यानी कि बिल्कुल 12 गेंदे, 12 गेंदों पर 48 रनों का लक्ष्य होगा। 12 गेंदे 48 यानी कि हर ओवर्स की अगर बात करें तो 24, 4 छक्के होने चाहिए हर ओवर्स में, तो 12 गेंदों पर आप 48 बनाओगे, यानी इस ओवर में 10 रन भी आएंगे तो हम कहेंगे थोड़ा एक तरफी मुकाबला, अगर 20 आएंगे तो हम कहेंगे दो तरफी मुकाबला। तो कौन होंगे जैसे गेंदबाज जो टर्निंग पॉइंट गेंदबाजी करेंगे? गेंदबाज नरेश कोहली, एक अच्छा आयोजक, बिल्कुल पेट की टूर्नामेंट समय अभी तक याद है, निखिल सेल के बिल्कुल आपने इन्वाइट किया था और काफी अच्छा, गणेश जोशी भी काफी अच्छा, प्यार उन्हें सभी को दिया। 12 गेंदे 48 रन नरेश कोहली, अनुभव बहुत ही ज्यादा अनुभव इस खिलाड़ी को, और क्या ये टर्निंग पॉइंट गेंदबाजी करेंगे ये बड़े सवाल इस मैदान के अंदर। सामने होंगे विकास जो काफी विकास यानी कि आधुनिकरण से बने हैं और काफी अच्छे रन बटोरे अपने टीम के लिए। विकास का काफी सेटअप हो चुका है इस वक्त, फुल टॉस गेंद यहां पर फेंकी और देखिए ये बेहतरीन फील्डिंग, एक से संतुष्ट, 11 गेंदे अब 47 रनों की जरूरत होगी। फुल टॉस गेंद पे शायद छक्का होना चाहिए था मेरे ख्याल से, बट टाइमिंग नहीं मिल पाए इस बल्लेबाज को, मैच नहीं कर पाए अपने आप को, अंदाजा नहीं लगा पाए जिस कारण दिशा दी सिर्फ ताकत नहीं लगाई और एक रन स्कोर कार्ड पे लगाए 11-47। और यहां से इनसाइड एज की अपील थी पर अंपायर ने कहा कि वाइट होगा, बिल्कुल अंपायर से यानी कि एम से मान्यता प्राप्त कल्याणी घोरपड़े और दूसरे अंपायर से हमारे सूर्यकांत अडाव जिनके काफी अच्छे अंपायर, एसडी अंपायर हाई डेफिनेशन जिनके नजरों से बचना मुश्किल नहीं, नामुन गिन हो सकता है ऐसे हमारे अंपायर। फुल टॉस के नॉर्मली ब्लॉक हॉल थी, चकमा दिया बल्लेबाज को, काफी निचले स्तर पर गेंद और ये देखिए एक रन स्कोर कार्ड। इस ओवर मैंने कहा था कि 15 से तो ऊपर बनने चाहिए तो मुकाबला दो तरफा दिखेगा, बट अगर 15 से ऊपर नहीं बनेंगे तो ये मुकाबला एक तरफा होगा। रन बन चुके यहां पर 2 गेंदे 45 रन यानी कि आधे रन अभी बन चुके हैं और आधे रन बनाने हैं, दिल्ली अभी तक दूर है बड़े शॉट्स लगाने के विकास को। फुल टॉस यहां पर भी टाइमिंग नहीं मिल पाया और यह विकेट्स विकास के पारिकांत। धन्यवाद मास्टर साला के पंकज की कमी, चाहे वार्ड टीम में मैसेज हो रहे बच्चे, इस की बात करें इसके बाद मुकाबला क्वार्टर फाइनल का होगा, उस सारली बनाम जिनमें से जो टीम जीतेगी उनके साथ मुकाबला खेला जाएगा। तो बिल्कुल आपको रेडी रहना होगा कि उस टीम यहाँ पर रेडी हुई जिसने 94 रन बनाए थे पहले मुकाबले में, और देखिए मुकाबला बिग पार्ट होगा इसमें कोई सवाल ही नहीं बल्लेबाज। और यह बेहतरीन शॉट स्ट्रेट डाउन किया लॉन्ग ऑन के रिजर्व में और इस गेंद पर एक नंबर लगे, इक्का दुक्का का सहारा ले रहे बल्लेबाज, ट्रैफिक नहीं यहाँ पर, खुला रास्ता आपको छक्का लगाना था बट थोड़े से नाकामयाब, यानी कि यहां से 4 गेंदों पर रन बने 46 यानी 44 रनों की जरूरत, 8 गेंदे पर 44 यानी कि 8 छक्के और शायद पहला तो नहीं होगा, देखिए एक तरफा मुकाबला यहां से और यहां पर बल्लेबाज की पारिकांत। मास्टर्स 7 गेंदे 44 रनों की जरूरत नहीं, बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे जयवंत।
सात गेंद पे सात छक्के अगर लगेंगे तो 42 बनेंगे, यानी कि 44 का लक्ष्य। मैंने कहा था कि इस ओवर में 15 नहीं आए तो मुकाबला एक तरफा होगा, और मुकाबला यहाँ से एक तरफा हो चुका है। सात छक्के लगने के बावजूद ये मुकाबला वार्जल टीम गवाएगी। यह क्रिकेट जो रन बनाए पेज टीम ने वो काबिले तारीफ थे। तो टारगेट दिया था 90 रनों का पहले मुकाबले में, 94 का टारगेट दूसरे मुकाबले, 90 का टारगेट। यानी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बहुत ही तगड़ा देखने मिलेगा, बहुत ही तगड़ा। और ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, 6 गेंदे 44 रनों की जरूरत, पूरी तरह से बल्लेबाज के पाव में जंजे डाल के रखे इन गेंदबाजों ने, कोई मौका नहीं दिया। फुलटोस गेंद थी इस ओवर में, 3 फुलटोस गेंद थी मैंने देखा, 3 फुलटोस गेंद पर सिर्फ 2 नंबर आए, अलग वहां पर 3 छक्के होने चाहिए थे, टाइमिंग नहीं था बल्लेबाजी के पास। और मैं तो कहूंगा कि दिन नहीं था उनका आज। और यहां से 6 गेंद 44 डीजे। बिल्कुल धन्यवाद डीजे मास्टर्स। देश यानी कि दुनिया का गहना, हालांकि गहनों पे बैन लगाया है सरकार ने, लिमिट है, काफ़ी अच्छी लिमिट आपने देखी होगी, यानी कि विवाहित अविवाहित और पुरुषों के लिए लिमिट रखी है। उसके बाद पहले हमने देखा कि नोट बैन 35 आ रही है, ड्रिंक पे भी बैन लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सरकार काफ़ी तेज पैसे लेती है। 6 गेंदे 44 रनों की जरूरत है। बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद, इस वक्त काफी ब्लॉक वाले गेंदबाज ही, नए गेंदबाज का जिक्र, जिशान शेख। जिशान शेख ने 6 रन दिए थे तीसरे ओवर, और यहाँ पर लास्ट ओवर के लिए यानी कंजूस गेंदबाज को वापिस यहाँ पर इन्वाइट किया। बस सबसे कम रन देने वाले गेंदबाज अगर कोई होंगे तो वो होंगे नरेश कोहली, 2 विकेट और 3 रन, सबसे कंजूस गेंदबाज है नरेश कोहली की, और बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रदर्शन। 5 गेंदे 43 रन, एक तरफा मुकाबला। जब भी एक तरफे मुकाबले होते हैं तो देखिए दर्शक यानी कि ऑनलाइन सब अपने सोशल नेटवर्क पर जुड़ जाते हैं, क्योंकि पता है कि मुकाबला पेड टीम से जरूर जीती, यानी कि इसके बाद पेड बनाम उसारली बिग फाइट देखेंगे आप क्वार्टर फाइनल्स। दोनों टीम ने 90 का आंकड़ा छुआ था। ये देखिए ब्लॉक वॉल के शिकार। चलते चलते मेरे ये बिल्कुल, यानी कि इस वक्त एक तरफा मुकाबला। और बिल्कुल इस विभाग में जब मैं डैम प्रतियोगिता में जब कॉमेंट करने आया था, बिल्कुल सुमित नायक जिन्हें आमंत्रित किया था, सुमित नायक एक अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट, सबसे बड़ी ट्रॉफी के लिए वो टूर्नामेंट जाने गए थे। और बिल्कुल वहाँ पर अन्ना गोंदली भी थे और समाधान भी थे, अच्छे कॉमेंटेटर्स बिल्कुल इस विभाग के। और बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो इस आने वाले 4 गेंदों पर 43 रन की आवश्यकता, नामुमकिन सा स्कोर, एक तरफा मुकाबला, पेड टीम पूरी तरह से हावी। और फुलटोस गेंद वो खेला, देखिए ये चौथी फुलटोस गेंद पर कुछ बड़े नंबर नहीं आ पाए, टाइमिंग नहीं मिला, और अब लास्ट 3 गेंद है और ये मुकाबला समाप्त होगा। चलो टॉस के लिए यहां पर बुलाएंगे उस साली टीम के कप्तान, बिल्कुल टॉस के लिए आपका आना होगा यहां पर, हेमंत भगत और पर हेमंत छेदकरी। और ये देखिए यानी कि बल्लेबाज पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, उनको पता है कि मुकाबला एक तरफ। इस वक्त बल्लेबाज के लिए सिर्फ लास्ट 2 गेंद बच चुकी है, और अभी टीम के लिए नहीं अपने लिए खेलना होगा। 2 छक्के लगाएंगे तो शायद यूट्यूब के माध्यम से आपके गांव वाले छक्के तो देख पाएंगे कि लास्ट में भाई लगे थे। तो बिल्कुल टेनिस क्रिकेट, फुल टॉस यहां पर भी चुके, फुल टॉस गेंद पे छक्के नहीं आ रहे, लास्ट गेंद और ये मुकाबला खत्म, यानी कि क्वार्टर फाइनल स्पेड बनाम उसारली बड़ा मुकाबला देखने मिलेगा। एक तरफ उसारली टीम ने 94 बनाए थे पहले मुकाबले में, और उस मुकाबले से छिंचवा टीम का बाहर भेजा, और यहां पर पेट टीम ने 90 बनाकर वादल टीम का बाहर भेजा, यानी क्वार्टर फाइनल में 90 का आंकड़ा बहुत ही लकी होगा किसी एक टीम के लिए। और ये शानदार छक्का, मुकाबला खत्म, पेट टीम इन दिस मैच एंड गो टू द क्वार्टर फाइनल्स। दोनों टीम को ऑल द बेस्ट, हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच का हीरो होगा अनडाउटली तूफानी बल्लेबाजी, यानी कि 15 गेंदों पे 40 विवेक जोशी, प्लीज कम ऑन द स्टेज।
यस सामने मैन द मैच सही रहो विवेक जोशी।